कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वकांडा के राजा टीचिला यानी ब्लैक पेंथर की एक गंभीर बीमारी से मौत हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। लेकिन फिर भी टीचिला की बहन शुरी को यह लगता है कि एक दिल के आकार के संजीवनी बूटी बनाकर टीचिला को बचाया जा सकता था। किल मोंगर जिसे ब्लैक पेंथर के पार्ट फर्स्ट में दिखाया जाता है, उसने सारी जड़ी बूटियां जो वकांडा के अंदर पाई जाती थी उसने नष्ट कर दी थी। इसलिए शुरी उन जड़ी बूटियों को फिर से आर्टिफिशियल रूप में एक लेबोरेटरी के अंदर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाती। राजा टीचिला के मरने के एक साल बाद यूएन की मीटिंग के अंदर सारे देश मिलके वकांडा के ऊपर वाइब्रेनियम को शेयर करने के लिए दबाव बनाते हैं। कुछ लोग वकांडा के अंदर घुस के वाइब्रेनियम को चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पाते। और महारानी रमोंडा जो राजा टीचिला की माँ होती है, जिन्हें राजा टीचिला के मरने के बाद महारानी बनाया होता है, वो वाइब्रेनियम को शेयर करने से मना कर देती है। और महारानी रमोंडा अपनी बेटी शुरी को जड़ी बूटी पर अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखने को कहती है, ताकि वे उस जड़ी बूटी से एक नया ब्लैक पैंथर बना सके जो वकांडा की उम्मीद बनेगा और वकांडा की रक्षा करेगा। लेकिन शुरी उन्हें मना कर देती है क्योंकि वो ब्लैक पैंथर को एक बीता हुआ पास्ट मानती है। और दूसरी तरफ CIA अटलांटिक ओशियन के अंदर वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन का यूज करके वाइब्रेनियम खोज रहा होता। लेकिन तभी नमोर और उसके ब्लू स्किन वाले लोग CIA के ऊपर हमला करते और CIA के सभी लोगों को मार डालते हैं। नमोर और उसके लोग समुद्र की गहराई में रहते हैं, वो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं और इन लोगों के पास भी वाइब्रेनियम होता है और इन्होंने समुद्र के अंदर अपना पूरा साम्राज्य वाइब्रेनियम की हेल्प से बनाया होता है। और दूसरी तरफ नमोर वकांडा की एडवांस सिक्योरिटी को तोड़ के महारानी रमोंडा और शुरी के पास आ जाता है और वो उन्हें वार्निंग देता है कि जिस साइंटिस्ट वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन बनाई है उसे मुझे ढूंढ के दो, नहीं तो मैं अपनी पूरी सेना के साथ वकांडा के ऊपर हमला कर दूंगा। शुरी अपने जनरल ओकोई के साथ मिलके अपने पुराने CIA एजेंट दोस्त रोस की मदद से उस साइंटिस्ट का पता लगा लेते हैं और उसे मिलने के लिए वो बोस्टन जाते हैं। वहां जाके उन्हें पता चलता है कि रीरी विलियम एक 19 साल की MIT की स्टूडेंट है जिसने वह वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन बनाई होती है। लेकिन तभी वहां पर FBI के लोग आ जाते हैं और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी नमोई के लोग आ जाते हैं और वे FBI के लोगों और जनरल ओकोई को घायल करके और नमोई से मिलने के लिए शुरी और उस साइंटिस्ट लड़की विलियम को अपने साथ पानी के नीचे लेके चले जाते हैं। और महारानी रमोंडा जनरल ओकोई को अपनी ड्यूटी से डिसमिस कर देती है क्योंकि वह शुरी को उन लोगों द्वारा ले जाने से नहीं रोक पाई होती है। और दूसरी तरफ महारानी रमोंडा नाकिया से मिलती है। नाकिया राजा टीचिला की गर्लफ्रेंड होती है और महारानी रमोंडा नाकिया से शुरी को ढूंढने के लिए हेल्प मांगती है। और दूसरी तरफ शुरी नमोर से मिलती है और शुरी के पूछने पर नमोर उसे बताता है कि कैसे वो और उसके लोग नॉर्मल इंसान से ऐसे बन गए। और वो बताता है कि धरती पर फैली बीमारियों की वजह से उसके अपने लोग मर रहे थे, लेकिन तभी उसके लोगों को वाइब्रेनियम मिलता है और वो बीमारियों से बचने के लिए उसे पानी में मिला के पी जाते हैं और इसकी वजह से वे लोग धरती की बजाय पानी में सांस लेने लगते हैं, इसलिए वो लोग धरती को छोड़ के समंदर में चले जाते हैं। लेकिन तब नमोर अपनी माँ के पेट में था और उसका जन्म पानी के अंदर ही होता है जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और वो पानी और धरती दोनों पे सांस ले सकता है और उसके पैरों में पंख होते हैं जिसकी वजह से वो हवा में उड़ भी सकता है। और नमोर शुरी को अपना पानी के नीचे बसा तालोकन साम्राज्य दिखाता है और वो शुरी को गठबंधन करने को कहता है कि वकांडा और तालोकन दोनों साम्राज्य मिलके धरती पर हमला करते हैं दूसरे देशों पर और उस साइंटिस्ट लड़की को मार देते हैं और अगर वकांडा साथ नहीं देगा तो हम सबसे पहले वकांडा पे हमला करके उसे नष्ट कर देंगे। और तभी नाकिया पानी के अंदर शुरी और उस साइंटिस्ट लड़की विलियम को ढूंढ लेती है और उन्हें अपने साथ भगा के ले जाती है और इसका बदला लेने के लिए नमोर वकांडा के ऊपर हमला करता है। वकांडा के सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह उसे रोक नहीं पाते। और इस हमले में महारानी रमोंडा जब उस साइंटिस्ट लड़की विलियम को बचाने की कोशिश करती है तब पानी में डूबने से उनकी मौत हो जाती है। और नमोर उन्हें एक हफ्ते का टाइम देता है, या तो उस साइंटिस्ट लड़की को मार दो और हमारा साथ दो, नहीं तो मैं अपनी पूरी सेना के साथ वकांडा के ऊपर हमला करूंगा। और वकांडा के लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें जबरी की धरती पर ले जाया जाता है। और दूसरी तरफ CIA एजेंट रोस को वकांडा के साथ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दूसरी तरफ शुरी अपनी रिसर्च लैब में नमोर द्वारा दी गई उस जड़ी बूटी का यूज करती है जिसकी वजह से नमोर के लोग पानी में रहने के लायक बन सके और जिसकी वजह से वह दिल के आकार की अब संजीवनी जड़ी बूटी बना लेती है। और शुरी उस जड़ी बूटी को पी के एक नई ब्लैक पैंथर बन जाती है, लेकिन वो सपनों में अपने पूर्वजों किल मोंगर से मिलती है और वो उसे अपना बदला लेने के लिए कहता है और वकांडा के सारे लोग उसे अपना नया ब्लैक
ब्लैक पैंथर मान लेते हैं। एम्बाकू वकांडा के सबसे ताकतवर कबीले का सरदार होता है। वह शूरी यानी नए ब्लैक पैंथर को यह सलाह देता है कि हमें बदले की बजाय दोनों साम्राज्य के बीच में शांति स्थापित करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे लोग आबाद रह पाएंगे। लेकिन शूरी उसकी एक बात नहीं सुनती और नमोर के ऊपर हमला करने का आदेश देती है, और शूरी अकोय को फिर से जनरल बना देती है और उसे लड़ने के लिए एक नया सूट देती है, जिसकी वजह से उसे और ताकत मिल सके। और शूरी नमोर को कंट्रोल करने के लिए एक जाल बनाती है। सबसे पहले वे एक समुद्री जहाज से नमोर उसके लोगों के ऊपर हमला करते हैं, और दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट लड़की विलियम नमोर को घायल कर देती है, जिसका फायदा उठा के शूरी उसे उसके लोगों से अलग कर देती है और टेम्परेचर बढ़ा के उसकी बॉडी को सुखाने की कोशिश करती है, ताकि वो अपनी गीली स्किन से सांस ना ले सके और वो कमजोर हो जाए। लेकिन तभी नमोर उस जहाज पे हमला करता है, जिसकी वजह से जहाज का सिस्टम खराब होने लगता है। लेकिन तभी शूरी नमोर को पास के रेगिस्तान की ओर ले जाती है, और जहाज रेगिस्तान के किनारे पर एक्सीडेंटली फट जाता है, और वहीं पे शूरी और नमोर के बीच में लड़ाई स्टार्ट होती है। लेकिन इस लड़ाई में नमोर शूरी को घायल कर देता है, लेकिन फिर भी लास्ट में शूरी उसे हरा देती है। लेकिन वो उसे मारने की बजाय उसे जिंदा छोड़ देती है, क्योंकि वो अपना बदला लेने की बजाय दोनों साम्राज्य के बीच में शांति चाहती है। और शूरी नमोर को एक शांतिपूर्ण गठबंधन के लिए कहती है कि जिसमें दोनों साम्राज्य के लोग आराम से रह सके, और नमोर इसे एक्सेप्ट कर लेता है, और इसी के साथ लड़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन नमोर के लोग उसे वकांडा के बारे में भड़काते हैं, लेकिन नमोर कहता है कि हमें वकांडा की जरूरत है, हम दोनों एक दूसरे के साथी बन सकते हैं, क्योंकि हम दोनों का एक दूसरे के अलावा दुनिया में और कोई साथी नहीं है। और साइंटिस्ट लड़की विलियम अब सेफली बोस्टन चली जाती है, और जनरल ओकोई सीआईए एजेंट रोस को भी छुड़ा लेती है। लेकिन दूसरी तरफ शूरी को पता चलता है कि नाकिया और टीचल्ला का एक बेटा है, जिसका नाम टूसेंट है, जिसे नाकिया दूर सीक्रेटली पाल पोस के बड़ा कर रही होती है, ताकि उसे भी राजा न बना दिया जाए उसके पिता टीचल्ला की तरह। और तभी टूसेंट कहता है कि उसका वकांडियन नाम टीचल्ला है। और इसी के साथ हमारी मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।